व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और हम तो खैरियत से हैं, अल्लाह के फजल से आप भी खैरियत से होंगे। और आज हम ये शामी कबाब की रेसिपी बनाने लगे हैं, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 पाव चने की दाल ली है और इतना ही तकरीबन चिकन का ना बोनलेस गोश्त है। तो ये हम इसमें मतलब ये प्याज है, 2 अदद प्याज और लहसुन, तो ये इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अपने बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लिया करें, क्योंकि सफाई में भी बरकत होती है, जो एंड का चीज़ होती है उसमें बरकत होती है। इसलिए अपनी प्लेटों को, बर्तनों को साफ करना चाहिए। ये 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे। ये नमक है, ये हम पिंक साल्ट इस्तेमाल करते हैं, ये वाला 1 चम्मच। और धनिया पाउडर ये भी 1 चम्मच, बड़ा है ना इसलिए। तो ये साबुत ज़ीरा है, ये भी हम इतना ही ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/4 चम्मच। ये हल्दी पाउडर है, तो ये भी हम तकरीबन 1/4-2 चम्मच इसमें डाल देंगे। गरम मसाला वैसे तो साबुत भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको कूटते हैं ना तो फिर वो साबुत कहीं रह जाता है, तो वो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता जब शामी कबाब हम खा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पिसा हुआ इस गरम मसाला यूज़ करती हूँ, वो ज़ाया भी नहीं होता और मतलब ऐसे मुंह में भी नहीं आता और सारा इस्तेमाल अंदर बंदे चला जाता है। ये चने की दाल मैंने फुल मतलब इसके ऊपर पानी होना चाहिए, लेकिन गोश्त जो है ना वो उसके वो नहीं, पानी में डिप होना चाहिए। तकरीबन हमने 10 मिनट इसको वेट लगाना है। ये अब हम इसमें गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त ऐड कर रहे हैं। वो ये होता है कि अगर हम बोनलेस लेते हैं ना हड्डी के बगैर, या कम हड्डी वाला, तो फिर वो मतलब उसको उठा के रेशे करने की आसानी होती है। इसलिए हम ज़्यादातर ना ये ही इस्तेमाल करते हैं बोनलेस से। तो ये साबुत मिर्च, वैसे तो हम दरड़ मिर्च इसमें डालते हैं, उससे ज़्यादा स्पाइसी बनते हैं। आज मेरे पास वो नहीं है, तो ये हम 5-6 ना ये वाली लाल छोटी मिर्चें ये इसमें ऐड कर देंगे, वो इसका ज़रा अपना ही जायका होता है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे, तो फिर बाद में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आपको भी और हमें भी। अच्छा जी, काम ये देखिए, 10-12 मिनट के बाद मतलब हमने ढक्कन खोला है प्रेशर कुकर का, तो इसकी ये कंडीशन है। अब हम ऊपर से बोटियाँ उठा लेंगे और जो नीचे दाल है तो उसको हम कुंडी डंडे में पीस लेंगे। वैसे तो चॉपर भी है, लेकिन चॉपर में ज़रा मुश्किल लगता है, तो ये आसान लगता है, इसलिए हम ना कुंडी डंडे में ही करेंगे। तो फिर हम बोटियों के ज़रा बड़े बड़े मोटे मोटे रेशे करके तो उनको भी पीस लेंगे कुंडी डंडे में। तो फिर उनको ऐसे हाथ से ऐसे उसको करके तो उसको अंदर डालेंगे, वो अलग अलग रेशे से हो जाएंगे, तो इससे कबाब का ज़रा मतलब लुक अच्छी आती है और मज़े का भी लगता है जब हम खाएं तो अंदर रेशे आते हैं। वैसे अगर हम बोटियों को कूट लें अच्छी तरह से पीस लें तो फिर वो ना दाल के साथ ही मिक्स हो जाती हैं। तो अब हमने इसका ये इसको करके कूट के तो फिर वो हमने इसका मेज़ा बना लिया हुआ है, प्याज वगैरह चॉप कर लिया है, मिर्चें और सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्चें वगैरह बना के रख ली हैं। तो बाद में हम करते हैं जब बनाएंगे शामी कबाब, तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी ये हमने धनिया चॉप किया हुआ, धनिया चॉप की हुई मिर्च और चॉप किया हुआ प्याज है। ये अब हमने कबाबों का जो मिक्सचर हमने बनाया है उसके अंदर हम ऐड करेंगे, देन उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखें व्यूवर्स, हमारे कबाब शामी कबाब बन चुके हैं। होप तो आप लोगों को पसंद है, लुक तो उनकी बहुत ही अच्छी है और लग भी मज़े के रहे हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई एट योर होम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।